स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से आपको मैं बताता हूँ कि ऊँट और ऊँटनी के दूध तो आप लोगों ने पीते हुए देखा होगा, लेकिन मूत्रपान नहीं देखा होगा। भारत के अंदर, नेपाल के अंदर गोमूत्रपान की विधि इतिहास में, पुराणों में वर्णित है, किंतु अरब कंट्रीज में मोहम्मद साहब ने अपने हदीस के माध्यम से जिक्र किया है, जानकारी दिया है कि मूत्रपान के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो मैं आज आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। यदि आपको जानकारी ना हो तो हदीसें उठा करके देखें और इस पर खोज करें, फिर बताएं हमारे लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरब में शुरुआत हुई ऊँट और ऊँटनी के मूत्र अर्थात पेशाब को पीने का फंडा। अब आपकी जानकारी को बता दूँ, कई सारे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, गलत बताते हैं कि गोमूत्र के अलावा ऊँट मूत्र, ऊँटनी का मूत्र नहीं पीना चाहिए। इस बात से मैं असहमत हूँ, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर गुण और दोष प्रकृति ने, कुदरत ने छिपा रखे हैं। हर जड़ी, हर घास के अंदर औषधीय गुण हैं, जीवनीय गुण हैं या फिर मार्गीय गुण हैं। उसी प्रकार से हर किसी की पेशाब में अपने अपने गुण धर्म हैं। जो लोग गठिया से परेशान है, जिनको HIV की प्रॉब्लम है, जिनके लिए पित्त बढ़ा हुआ है, जिनके लिए पेशाब में जलन और गर्मी आ रही है, वो लोग मूत्रपान कर सकते हैं ऊँट और ऊँटनी का। अब पूछो कैसे, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऊँट जो है अपने अंदर पानी को, जो भी पीता है उसको स्टोर कर लेता है, और उसके अंदर नेचुरली ऐसी क्षमता है, कुदरत ने बनाया है कि अपने शरीर को वो वातानुकूलित कर देता है, और उसके शरीर के अंदर का पानी जल्दी गर्म नहीं पड़ता है। और जो उसकी पेशाब को पीता है, उसको पीने के बाद जिसको लू लग गया है, रेगिस्तान में लू लग गई है, गर्मी लग गई है, भूख प्यास नहीं लग रहा है, बुखार आ गया है गर्मी की वजह से, पित्त बढ़ने की वजह से, वो लोग मूत्रपान ऊँट ऊँटनी का कर सकते हैं। जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है, मेरा दावा है 10 से 20 ml मूत्र 7 बार सूती कपड़े से छानने के बाद ऊँट ऊँटनी का, वो आप सुबह के लिए इतना ही इसमें पानी मिला करके इसको आप पिए, और ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, खटाई से परहेज रखें। जिनको गठिया है, जिनके गांठों में दर्द है, सूजन आ गई है, और इसी तरह शाम को 3 से 5 बजे के समय करें, खटाई मिठाई और चेपादार चीज़ों से और फ्रिज की चीज़ों से परहेज रखें। आप 40 दिन ये करके देखिए, आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ जाएगा और आपका दर्द दूर हो जाएगा। गठिया कितनी भी पुरानी हो, आयुर्वेद की दवा के साथ साथ अगर आप ऊँट और ऊँटनी के पेशाब को पीते हैं तो बहुत जल्दी आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। ये गारंटी से कह रहा हूँ, ये मेरे गुरु की बताई हुई है, ये सब गूगल पर सर्च किया हुआ नहीं है, आप सर्च कर लो मिल जाए तो, ये हमारे गुरुदेव ने बताया है। समझ रहे हैं ना आप लोग, जो कि धागा बांध के नबज को देख लेते थे। बहुत सी औरतें कहती थीं कि गुरुदेव हम हाथ नहीं पकड़ाएंगे आपको, गांव देहात की बात है, 250 साल की उम्र है उनकी इस समय, और धागा बांध के देख के बता देते थे क्या खा के आयो, शरीर में क्या दिक्कत है। हमने भी वो विद्या सीखी, तो आप इसका लाभ लिखाएं, और जिसको HIV जैसे संक्रमक बीमारी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, भूख प्यास अच्छा लगेगा, सेहत अच्छी रहेगी, बुखार जाड़ा सब उतर जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग जानकारी का लाभ उठाएं। ओम शांति, ओम क्रांति।